गुड मॉर्निंग नेत्रमणि चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। आज देखो तो सका होगा मैंने छटा हो गला मुझे लेट्रे उठिली जिते बड़क भी लास्ट नाइट मुझे टिके लेट्रे शोची मुझे सका उठी पारे आई जो वेदर आप देखिए जान पड़ते ये जमा भी मानने जेहेतु टिके वेदर मानने बेस कोल्ड अच्छी टिके आमर क्लाउडी क्लाइमेट अच्छी वर्षा वर्षा पाग अच्छी तो आहुरी मैंने कौन कहे पाग देखे आप जानपड़े कमी देखा तो मुझे आज टी लेट लेट उठली सब आज वर्कआउट फर्कआउट बंद हो गला मोर तो मुझे भाविली आज आम सुजाता जी मेड आसी सारी मुझे भाविली ता प्रेजेन्स जाऊँ मोर कि कम सारी दिए क्लीनिंग कम सी थी बेलू क्लीनिंग करदे घर जहाँ धूलीफुड़ हो सब जिनस मैनेज हो बहुत दिन है भावुची टेंडम बक्सटा टे क्लीन करी जितेबू भी रोसे करते सब स्पून चमच बाहर करते लगुच डस्ट हो गला धूली हो गला तो मुझे ना सफा करी करी से कामटा अटकई रोचे आज भाविली कि वर्कआउट हो तो मुझे आम क्लीनिंग रे लगी जाए तो से प्रथम आम जो टेंडम बक्स अच्छी से टेंडम बक्स को मुझे टी क्लीन कर लगी आए पोछापोछी करदेवि तापर यह सब स्पटुला जाक मुझे रखिपरि आई जो टेंडम बक्स को क्लीन करुच्ची खाली पोछी दे गरम पानी रे मुटा को बिल्कुल मानने कौन कहे आम कि स्प्रे मारिकी पोछापोछी करनी कारण एत तेल चिकिटा होनी खाली प्लेन टे धूली डस्ट पड़ी तो से मुझे नॉर्मल पानी रे टिके भलरे पोछी दे आज मॉर्निंग रूटीन होची मु पूरा घर पाई घर काम आप देखते गोटे स्त्री लोकर के कम थाए आज मुझे मोर वर्कआउट किसी करनी कारण जी मैंने कहते छटा भी राइट टाइम थी वर्कआउट करने मुझे चाहिए करी कि मुझे से मोर क्लीनिंग कमटा रही जाता है तो से स्त्री लोक मानक स्पेशली ना बेले बेले एमती कंप्रमाइज कराया पड़े आईदर एटा करी ना सहीटा करी एटा कले मैनेज हेनी से कले मैनेज हेनी तो सब स्त्री लोकंर मॉर्निंग रूटीन जाको एमती ही था तो आज मोर रूटीन आप सहित सेयार कर आउ ये जो स्पटुला जाक आप सब देखुं पूरा सब मोर नुआ थिला मुझे अलरेडी दसरा समय किणिकी रखी थी आहना क्लीनिंग कम रही जाइए यही सब कम एम जरी रु अनकभर हो ना सब मुझे बर्तमान रखुच्छी बहुत सुंदर क्वालिटी जिनस को दरकार निहाती आप कमेंट रे कमेंट करूँ मुझे लिंक दे दूँ क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है आउ क्लीनिंग तो करदे क्लीनिंग पर जो सजासुजी कम कौटी स्पून रखी कौटी सीजर रखी कौटी इटा रखी कौटी लाइटर रखी कौटी नाइफ रखी सी भी गोटे कम थाए कहीं कौटी कौटा रखिले सुविधा हम कौटी कौटा रखिले मानने बाहर को बाहर की आसबनी सी सब के जिनस भाविक सजड़ा मानने सजेक रखा पड़े आँ कह जो मैंने करती से निहाती जानी टेंडम बॉक्स क्लीन कर सारापर बर्तमान मुझे ना टे आम ऑयल पुल आउटा क्लीन कर जो एसएस स्टीलटा लगी तेल चिकिटा लग जा बहुत दिन है मुझे सफा भी करनी आ आम मेंटेन करवानी किंतु आम कारपेंटर लोक दोष दबा कहीं सब मेंटेन आमको प्रति मस प्रति 15 दिन में थे करा कथा नले ऑब्वियसली सेटा तेल चिकिटा हुए तो मुझे एमती ना बहुत केस शुणी निजर मानने लैक अफ मेंटेनेंस एकाशे आउ समस्ते आम सब कारपेंटर दोष ही धरू कि कारपेंटर एमती करदे कारपेंटर खराब मेटेरियल देता कारपेंटर ये करदे अरे कारपेंटर जिते भल मेटेरियल दे था जी तुम्हें ठीक से मेंटेन न कल से जिनस खराब हवा कथा निश्चित हो तो बर्तमान मुझे आम एस एस स्टिल को ना गोटे स्प्रे आसूँ से स्प्रे दे कि घसिकी क्लीन कराफल कौन कहे तेल चिकिटा रही तेल चिकिटा अधिका लगिक रे मैंने निहाती आप जानते तार इंपैक्ट कौन हुए तो से भी टी सफासफी कर लग पड़ी सफासफी कम सर बेलू बाबू उठीगले सरला बेलू कम से कम 7:45 खंडे हो गला मोर जी मैंने आमर जी परिवापत्र कटाकटी करा आसे सी आसीज तो मुझे गाधुआ को जापारे आज मोर गाधुआ भी लेट आपड़ देखते सका रुटीन सकाशे सका कि क्लीनिंग कम सकाशे सबू जिन लेट हो ना मोर 8टा बेलू पूजापूजी हो जाए कारण किसी भी जी गोटे एक्सट्रा कम आप एड कर सब जिन लेट हो तो शक्ति ये कौन कर कॉफी मैंने बोर्नविटा पी किसी जी बैडमिंटन खेल को तो मुझे कंपनी देवाई मुझे गोटे क्षीर कपटा धरी बस पड़ी कारण मत भी भोक लगला सका कंफर्म कर सारिकी भोक है आ मुझे गाधुआ को जापारे कारण मोर मेड आसिक ये परिवापत्र कटाकटी कर
मोर मेड भी आसला मुझे चा पीला बेलू सी तर काटा शक्ति आज हम बीन्स आलू भजा हम ये संतुला सब पनीपरिया काटिदे आठ रसुण छेचा भी करदे आहेतु शीत दिन टी सूप बनब तो सूप भी सब कटाकटी हो पिज भी ये कटा सरगला तो सब कुकिंग कम जोगाड़गला बाबलू तो आम बैडमिंटन खेलिया पड़े आईना सोफा फोफा सब सेट करदे ये डेली डेली काम नीतिदिना मॉर्निंग रूटीन एगुरा मोर सब टिके घर सेटल होकि मैं टी सेट होती मत भल लगे ना मत लगे घर गंधियाई आऊना मानने सोसाइटी हटात किए के पलि आस कही है घर से टी मेन्टेन हो थे सका सजाड़ दे सी दिन भरी थाए कारण कहीं शोवाक जाती से बेड को कि सोफारे बसती बट एत गंधिया हुए तो मुझे आम खट फट सब सजा सजी करदे आ भल लगे नहीं घर जी क्लीन हो समस्त को भल लगे तो चल चला नीतिदिनिया कम मोर आ तो घर सब सफा सफे क्लीनिंग कम सरपुर मुझे गाधिक आसिक ठाकुर टी पूजा करदेली ठाकुर पूजा कर सारापुर मनटा बहुत ही शांति लगे पुणी ठाकुर पूजा कर सारापुर पुणी मत किचेन जावाक पड़ो मोर पुणी ब्रेकफास्ट लंच ये सब जिनस बनवाई ठाकुर पूजा करने मत गोटे 30 मिनिट तो लगे 30 मिनिट भितर ना मुझे भात बसई भात मोर रेडी जीत को मोर रोसे घर को आसली देख ली भात रेडी भात गाड़ी की बर्तमान मुझे सैड करके रखीदेवि कारण भात मोर मानने चाहे कि मोर ब्रेकफास्ट है लंच सब जिन सैमटेनियसली सरी जाओ है तो मुझे क्षीर गरम करदेली भात भी रेडी करदेली एवं भाविली ब्रेकफास्ट कौन बनैबी जेहेतु मोर आज ब्रेकफास्ट सूप अच्छी मुझे रागी सूप पीबी तो शक्ति कौन करी कारण शक्ति बिल्कुल रागी सूप पीबे भाविली मुझे इपी नूडल्स करदेवि रागी सूप पीले तो भल जदि न पीबे देन टे इपी नूडल्स करदे सी टे खुशी खाईपर तो मोर ये मांडिया सूप रेडी मांडिया सूप बहुत ही हेल्दी आ रेसीपीटा भी हांडीशाला अपलोड हम तो मुझे आम गरम गरम वेजिटेबल पनीर मांडिया सूपटा मुझे जी आम ब्रेकफास्ट सर्व कर तो सूप पियापी कर सारापुर देखो ये मोर तीन दिन है कपड़ा बाहर टंगाई कहीं बिलकुल खरा हो पग पूरा कौलिया खरार आउ कपड़ा जमा मैंने सुखुनी मुझे चाहे टी कपड़ा खराब आजिगले भल टे कड़क होमर मानने कपड़ा सुखला भाया लगला तो बट तीन दिन हो गला जी सुखिया कथा सी सुखीगला तो आजिकाली ना मुझे जो कपड़ा आणिक आम घरे गदे दूँ हाँ टाइम पाइले फोल्ड करी सी विश्वास करें दस दस दिन सत सत दिन मानते जिते दिन भी कह मन बिलकुल हुए नहीं कपड़ा को फोल्ड करने तो आजिकल मुझे भाई सी जो मानने आमर हेंगर हिं कपड़ा काला बेलू से फोल्ड करके घर को नहीं कहीं घरे मुझे पूरा अलसुआ हो जाए पांच मिनिट कपड़ा मानने बाहर कला बेलू फोल्ड करदेवि सीना कि जो पकई पकई दस दिन पर फोल्ड कै से हूँ सब इरीटेटिंग कम थाए तो सीए गल सी भी गोटे कम मुझिकल नुआ आडन कर चल ये कम एम सारद मैंने 2024 सब जिन मुझे कि नुआ नुआ चेंजेस कर क्लीनिंग मत कर मत घर टी मेन्टेनेंस कर कारण घर जमीक प्रति विक्रे मत ड्रेनेक्स यूज करार अच्छी आमर पानी जमी तले न जाम हो आमर एसएस मेटल जो सब लगी टेंडम बॉक्स आमर ऑयल पुल आउट से सब क्लीन होता जमी जंक न हो तो यही सब जिनस हूँ आम हाथ में तो यही सब जिनस कले बेटर हाँ तो मुझे सब जिन कि एड करड कर बट एंड्रे गोटे कथा कह एतेज नुहे ये सब जिन मेंटेन करवा एत सहज नुहे मैंने मुझे भावी के वीडियो एडिटिंग करी बट मोर ये घर डेली रूटीन काम सरुनी है देखुना सेपटे कपड़ा फोल्ड कली एपटे कपड़ा आणिकी सुखली मैंने एतक कम है साढ़े एगारटा खंडे हो गला मुझे एडिटिंग करी के वीडियो अपलोड करी सी भी गोटे पार्ट टाइम कम कि देखी देखते जो ऑफिस जाती है ऑफिस घर कम हो कि न हो मुझे ब्रेकफास्ट खाई दिए मुझे जाकि ऑफिस जाकि आसे संध्या देखा जीव किंतु गोटे हाउस वाइफ राम सी तार पर्सनाल कम करूँ कि सी तार ऑफिस कम करूँ कि सी जहाँ भी करूँ जदि सी वर्क फ्रॉम होम करुच्ची ता सराउंडिंग रे एति की काम ता आखि आगे देखा दौथ्यो मते एटा करियर छि मते सेटा करियर छि मते सेटा करियर छि ट्रस्ट मी एते इजी लाइफ नुहो गोटे स्त्री लोकर लाइफ एते भी इजी नुहो
ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଘରେ ଥିବ, ସେ ଘରେ ବି ମାନେ ଅଫିସ୍ କାମ କରୁ କି ଘର କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ କି ଘରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଭାରି ରାଗ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କେସ୍ରେ ହେଇଥିବ, ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। କେଉଁ ତ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଏମିତିଆ କଥା କହିଥିବେ, ମୁଁ ତ ମୋତେ ତ କହିଥିଲେ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ରାଗିଯାଏ। ନିଜେ ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ ରହିକି ଦେଖ, ତା'ପରେ ଜାଣିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଜିର ମୋର ଡାଏଟ୍ରେ ଥିଲା ଲାଉର ପିଠା ଆଉ ମୋର ସୁପ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ରହିଲା ମୋର ସନ୍ତୁଳା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ସବୁ ସାରିଲି, ଆଉ ଟିକିଏ ଟିଭିଟା ଅନ୍ କଲି। ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇକି ଅଫିସ କାମରେ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି, କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ବିନ୍ସ ଭଜା ଆଉ ଭାତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଡାଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଇଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଖାଇବା ମୁଁ ଟିକିଏ କବାଟ ଫାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ମିଟିଂର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବନି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକିଏ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ମାନେ ଏତିକି କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି ହେଲା, ସକାଳର ଅଧା ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର ଅଧା ଟାଇମ୍ ମୋର କଟିସାରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନା କେକ୍ ବନେଇଥିଲି, କେକ୍ ଟିକେ ମୋର ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ ସେ କେକ୍ ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେକ୍ଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତ ମୋତେ ଟିକେ ନା ତାକୁ ଡିସ୍କାର୍ଡ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଭ୍ୟାନିଲା କେକ୍। ତ ନୋ ବେକ୍ କେକ୍ ଯୋଉ କରନ୍ତି ନା ବିସ୍କୁଟରେ ଆମେ ଯେମିତି କରୁ ସେମିତି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କରିବି, କେମିତି ଲାଗିବ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଏ ଅଛି, ଆକୁ ନା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କ୍ରାସ୍ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ କରନ୍ତି ନା ସେମିତି କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯଦି କେକ୍ ବଞ୍ଚି ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ବିସ୍କୁଟରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଏଇଥିରେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିବନି, କେକ୍ରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ମିଶିଛି। ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ନା କେକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ବନାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏ ପାଗରେ ଖାଇବା ଭଳିଆ ନାହିଁ ସିଚୁଏସନ୍, ନହେଲେ ମୁଁ ପକ୍କା ବନେଇଥାନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତ ଏଇଠି ଆମର କେକ୍ର ମୁଁ କ୍ରମ୍ସ ବନେଇଦେଲି, ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ ଯେମିତି ବନେଇଦେଲି ସେମିତି କେକ୍ର ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କେକ୍ କ୍ରମ୍ସକୁ ନା ମୁଁ ଟିକିଏ ଆମର ଓଟିଜିରେ ଗୋଟେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକିଏ ବେକ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ସେଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା ତ ବେକ୍ କରିଦେଲେ ଟିକିଏ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ଆସିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ଲେୟାର୍ଟା ଦେବି ସେ ବହୁତ ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ତାକୁ ଆମର ବେକ୍ କରିଦେଉଥିଲି। ତ ନା ମୁଁ ନା ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଲିଟର ନେଇଯାଇଛି ଆମର କ୍ଷୀର, ମାନେ ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ ବାଲା କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ନା ମୁଁ ଟିକିଏ ଆମର କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ ବି ପକାଇଛି, ନର୍ମାଲ୍ କ୍ରିମ୍ ବି ପକାଇଛି ଟିକିଏ ରିଚନେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ ପକାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଆମର କେକ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ ବି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକିଏ କଲର୍ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆମର ଟିକିଏ ପକାଇଦେଲି ଫୁଡ୍ କଲର୍, ଆକୁ ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଇଏ ଆସୁଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ଲରି ଟିକିଏ ପକାଉଛି, 2 ସ୍ପୁନ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଥିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ବଦଳରେ କଷ୍ଟାର୍ଡ ମିକ୍ସ ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଥୁଲଥୁଲ ଭଳିଆ ମାନେ ଇଏ କରିବେନି, ମୋଟା ମୋଟା କରିବେନି, ଏଇଟା ଟିକିଏ ପାଣିଆ ଟେକ୍ସଚର୍ରେ ରଖିଦେବେ, କାରଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ମାନେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ଅଂଶ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କେକ୍ ବି ଅବଜର୍ଭ କରିବ ନା, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷୀରର ଏଇ ମିକ୍ସର୍ଟାକୁ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିବେ।
ଆଜିର କାମ ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲି, କେକ୍ ବନେଇ ସାରିଲି। କେକ୍ ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଦେଖା ଯୋଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ଆଉଟପୁଟ। ସେଇଟା କାଲିର ବ୍ଲଗିଂରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ହୋଲ୍ ଡେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଚାଲିଛି 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 କାମ। ମଣିଷ କ'ଣ ମାନେ ଟିକେ ଗପସପ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, କିଛି କିଏ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବ, ଟିକେ ୱାର୍କ କରି ଆସିବ। ଘରେ ଏତିକି କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ନା ସତରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲାବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଥକିଗଲି। ତ ମୋର ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁହଁଟା ଧୋଇଦେଲି, ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଦେଲି, ହେଲା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ୱାକ୍ରେ। ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆରେ କ'ଣ ହଉଛି ଜାଣିଛ, ୱାକ୍ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଛି, ବଟ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ୱେଦର ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ନା, ଯାଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ୱାକ୍ କରିବାକୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗିଂରେ ଦେଖା ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ହେଲ୍ଥର କେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।